हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज चलिए हम बनाने जा रहे हैं स्पंज वाले रसगुल्ले। तो उसके लिए हमने 1 लीटर दूध ले लिया है। दूध को हमने पका लिया है, थोड़ा गुनगुना दूध है, और 2 चम्मच नींबू का रस ले लिया है। सबसे पहले हम नींबू का रस डालकर दूध को फाड़ेंगे, इसका छेना बनाएंगे। तो इसके लिए 2 चम्मच नींबू का रस है, इसमें जितना नींबू का रस है 2 चम्मच, उतना ही 2 चम्मच पानी मिलाकर इसको तैयार करेंगे दूध फाड़ने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा दूध फट गया है, अब हम इसको छान लेते हैं। बर्तन पे छाना रख दिया हमने, उसमें एक कपड़ा बिछा दिया महीन, और उसमें सारा दूध पलट दिए। छान लीजिए इसको। बहुत बढ़िया छेना निकल आया है, एकदम सॉफ्ट। इसके चारों कॉर्नर्स पकड़ के अपने आप इसको निचोड़ने देना है। बहुत टाइट हाथों से दबा के नहीं निचोड़ना है, क्योंकि एकदम सूखा भी नहीं रखना है और गीला भी नहीं रखना है, तभी सॉफ्ट रसगुल्ले बन पाएंगे। हल्के हाथों से ऐसे करके, हल्के हाथों से दबाना है, बहुत ज्यादा नहीं। बहुत कस के नहीं दबाना है, वरना पनीर एकदम सूख जाएगा तो अच्छे रसगुल्ले नहीं बनेंगे सॉफ्ट। पनीर देखिए कितना अच्छा निकला है, एकदम सॉफ्ट है। अब इसको हम धो लेते हैं, थोड़ा पानी डाल के इसको धो लेंगे अच्छी तरह से। अच्छी तरह से पनीर को धो लेना है, जिससे नींबू का रस बस जो डाला भी वो अच्छे से निकल जाए। पनीर हमने धो लिया, अब इसको उसी कपड़े में ऐसे बांध कर हल्के हाथों से बस ऐसे रख देंगे। इसको दबा के नहीं निचोड़ना है बहुत, वरना पनीर जो है टाइट हो जाएगा, सॉफ्ट रसगुल्ले नहीं बन पाएंगे। अब इस पर एक वेट रख देंगे, कोई वेट हो तो वो रख देंगे। देखिए पनीर को हमने ऐसे बांध दिया था और इसके ऊपर वेट रख दिया था 10 मिनट 15 मिनट के लिए। अब देखते हैं पनीर कैसा हुआ। ये देखिए बहुत अच्छा सॉफ्ट पनीर मेरा बनकर तैयार हो गया है, एकदम सॉफ्ट है, एकदम बिल्कुल सूखा भी नहीं होना चाहिए और बहुत गीला भी नहीं होना चाहिए। अब हम इसको एकदम चिकना करेंगे, तो इसके लिए हथेली है ये वाली, इससे इसको रगड़ना है। बहुत कसकस की नहीं रगड़ना है, धीरे धीरे हाथों से, हल्के हल्के हाथों से धीरे धीरे रगड़ना है, एकदम चिकना कर लेना है। इसको करने में 10 मिनट लगता है। बस हल्के हाथों से इसको ऐसे से करके रगड़ते जाना है। अब देखिए हम इस पनीर में, छेने में 1 चम्मच अरारोट मिला देते हैं। 1 किलो दूध के पनीर में 1 चम्मच अरारोट मिला देते हैं। उस हिसाब से अगर आपको ज्यादा है पनीर तो उस हिसाब से आप मिला सकते हैं। अगर अरारोट ना हो तो कॉर्नफ्लोर मिला सकते हैं आप, वरना 1 चम्मच मैदा भी मिला सकते हैं। अब इसको फिर से ऐसे ही मस लेंगे, थोड़ी देर और मस लेंगे, चिकना हो जाए तब तक। हल्के हाथों से देख सकते हैं तैयार है ये रसगुल्ले बनाने के लिए। चलिए अब हम चाशनी बना लेते हैं। गैस को हमने ऑन कर दिया है, इसका शीरा बनाएंगे रसगुल्ले के लिए। तो बड़ा बर्तन आपको लेना है शीरा बनाने के लिए। हमने 1 कप शक्कर ले लिया भर के। अब इसमें 1 कप शक्कर है तो 5 कप पानी डालेंगे।
कप पानी हमने एक कप शक्कर में डाल दिया है। अब इसको शक्कर को घुलने तक पकाना, इसमें आप इलायची खोल के डाल दीजिए, छोटी इलायची, और अगर आपको जाफरान डालना है, केवड़ा डालना है तो भी आप डाल सकते हैं। हमने दो इलायचियां खोल कर ऐसे डाल देंगे। अब इसको चलाते हुए शीरे को पकाना है, बस इतना पकाना है, इसमें कोई तार की चाशनी नहीं बनेगी, बस इतना पकाना है कि शक्कर इसमें डिजॉल्व हो जाए बस। तो चलिए इसको पकने देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, छीने का डो मेरा कितना सॉफ्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं एकदम चिकना हो गया है। तो चलिए हम इसके बॉल्स बना लेते हैं जब तक शीरा बन रहा है। इसकी बॉल्स बना लेते हैं हम छोटे छोटे, हल्के हाथों से बॉल्स बनाने हैं, बहुत दबा के बॉल्स नहीं बनाने हैं। देखिए ऐसे हल्के हल्के हाथों से ऐसे बनाने, बहुत प्रेस करके नहीं बनाने, एकदम चिकने चिकने बॉल्स बना लेने हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे रसगुल्ले पक रहे हैं, इसमें जो झाग आ रहा है ये झाग आना बहुत ज़रूरी है, जो पूरे रसगुल्ले को कवर कर लेता है, जिससे रसगुल्ले फूलते हैं। और पकते पकते इसको तेज़ आँच पे ही पकाना है ताकि झाग आए और पूरा कवर कर ले रसगुल्ले। और अगर पकते पकते इसकी चाशनी गाढ़ी हो जाती है, कम हो जाती है, तो बीच में थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाए, हल्का गर्म पानी बीच बीच में डालते जाएंगे तो झाग कम होगा और इसकी चाशनी गाढ़ी भी नहीं होगी। बहुत गाढ़ी चाशनी में बनाने से रसगुल्ले के अंदर रस नहीं भरता, वो स्पॉन्जी नहीं बनते ज़्यादा। तो बीच बीच में हर 2 मिनट पर थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे जिससे चाशनी गाढ़ी नहीं होगी, ये डालते जाए। अब इसको 5 मिनट और पकाएंगे, फिर दिखाते हैं हम आपको। देखिए फ्रेंड्स, रसगुल्ले जो है हमारे 15 मिनट से पक रहे हैं, अब ये पक चुके हैं। देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं पक के। इसकी ये पहचान है कि ये बर्तन के बॉटम में बैठ जाता है जाके, अगर ये पक गया है तो नीचे जाके बैठ जाएगा, नहीं पका है तो ऊपर ही तैरता रहेगा। तो ये नीचे बॉटम में जाके बैठ गया है और इसमें क्रैक्स भी आ गए हैं, ये भी पहचान है। तो अभी हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और फिर दिखाते हैं। तो देखिए रसगुल्ले हमारे, हमने फ्लेम बंद कर दिया है, अब हम इसको पतले सिरप में डालेंगे। तो इसमें से थोड़ा शीरा निकालेंगे और एक अलग बॉल में डालेंगे और शीरा निकालेंगे। बहुत गाढ़े सिरप में इसको रखेंगे तो ये स्पॉन्जी नहीं बनेंगे, इसलिए इसको पतले सिरप में पहले निकाल के रखा जाता है। अब जितना हमने शीरा निकाला है बाउल में, उतना ही हम पानी निकाल लेंगे, पानी भी उतना ही मिला देंगे इसमें। ये सादा पानी, नॉर्मल पानी है, नॉर्मल पानी उतना ही मिला देंगे इसमें। अब रसगुल्ले निकालेंगे इसमें से, और इसमें डाल देंगे, ऐसे ही निकाल के इसमें डालते जाएंगे। देखिए रसगुल्ले में कितने अच्छे से क्रैक्स आए हैं, इसका मतलब ये अच्छे से पक गया है। अब इसको फ्रिज में रख देना है ठंडा होने के लिए, ठंडा हो जाएगा फिर हम इसमें रोज वाटर डालेंगे, फिर हम इसको सर्व करेंगे। तो चलिए फ्रिज में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। देखिए हमने इसको फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए, तो अब हमने निकाल लिया है। हमने इसमें से निकाल कर इसमें रसगुल्ले रख दिए, और जिस शीरे में रसगुल्ले को बनाया था वो शीरा ऊपर से हमने डाल दिया है, गाढ़ा शीरा थोड़ा जो था बर्तन में वो हमने इस पर डाल दिया है।
देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे बिल्कुल बाजार जैसे मेरे रसगुल्ले स्पॉन्जी बनकर तैयार हो गए हैं। देखिए कितने स्पॉन्जी बनेंगे, बहुत ही बढ़िया एकदम बाजार जैसे बने हैं एकदम स्पॉन्जी बने हैं। आपको हमारे रसगुल्ले की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप भी बनाइएगा बिल्कुल मेरी तरह से बनाकर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा हमें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।